हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक सेली में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूं दो मोबाइल जो कि काफी अच्छे हैं और इन दोनों मोबाइल का मैं करने वाला हूं कंपैरिजन। तो वो मोबाइल कौन से हैं तो मैं दिखाता हूं। ये देखिए Vivo Y20Z जो कि काफी अच्छा मोबाइल है और हमारा तो फेवरेट है, वो आप जानते होंगे। और ये देखिए ओप्पो F17, दिखने में काफी अच्छा है, लुकिंग काफी अच्छी, ऐसे लग रहा है पीछे स्टिकर वगैरह लगाया है, पर इसकी डिजाइनिंग ऐसे ही की गई है। तो दोनों मोबाइल का आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन। तो आज हम इन दोनों में देखेंगे कि क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं, इन दोनों में से देखेंगे कि कौन ज्यादा बेहतर निकल के आता है, और इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे कि कौन ज्यादा महंगा है और कौन ज्यादा सस्ता है, किसका प्रोसेसर ज्यादा भारी है, किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है, दोनों को कंपेयर करेंगे पूरी डिटेल के अंदर। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आप इतना हो जाएंगे कि वीडियो को लाइक करना भूल जाओगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने रख दिए आपके सामने दोनों मोबाइल, ये है Vivo Y20G और ये है Oppo F17। तो चलिए दोस्तों इनको ऑन करके देखते हैं कि पहले कौन सा मोबाइल ऑन होता है। तो चलिए इनको ऑन करके देखते हैं, साथ में ऑन करेंगे दोनों को। एक मिनट, ये देखिए ये थोड़ा सा Vivo Y20G थोड़ा वाइब्रेट लेट हुआ है और ये वाइब्रेट थोड़ा सा जल्दी हो चुका था। देखते हैं इनमें से कौन सा मोबाइल जल्दी ऑन होता है। ये ओप्पो में थोड़ा ज्यादा इंट्रो दिया गया है, गेट वेट खुलेगा देखना आराम से, Vivo सीधा है डायरेक्ट। ये देखिए दोस्तों Vivo पहले ओपन हो चुका है, Vivo ओप्पो F17 से जल्दी ऑन हुआ है, वो काफ़ी फ़र्क है, मतलब ऑन होने में कम से कम 5-6 सेकंड का फ़र्क है, जल्दी हुआ है Vivo Y20 ऑन। चलिए और देखते हैं आगे क्या क्या चेंजेस है इसमें, क्या खासियत है दोनों में, क्या फ़र्क है ऑन होने में। तो Vivo Y20 काफ़ी ज़्यादा है, ब्राइटनेस दोनों की फुल कर देते हैं। चलिए ब्राइटनेस देखी जाए तो ओप्पो F17 की थोड़ी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो F17 की ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है इससे, Vivo Y20G की ब्राइटनेस थोड़ी कम है, ये देख पा रहे होंगे आप, इसकी थोड़ी ज़्यादा है ब्राइटनेस। दोस्तों अगर दोनों की डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे Oppo F17 की थोड़ी सी डिस्प्ले हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि ये थोड़ी छोटी है डिस्प्ले इसलिए, पर Vivo Y20G की डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि डिस्प्ले साइज़ की बड़ी दी गई है, इसके अंदर थोड़ी छोटी है। डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों लगभग बराबर है। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो Oppo F17 में थोड़ी सी क्वालिटी ज़्यादा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है Oppo F17 में। वैसे Vivo Y20G में भी आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी है, पर ये जो Oppo F17 में थोड़ी ज़्यादा है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों अगर दोनों में बैटरी की बात की जाए तो Oppo F17 के अंदर बैटरी मिलती है आपको 4000 mAh, और यहीं आपको Vivo Y20G के अंदर मिलती है बैटरी 5000 mAh। जी हाँ दोस्तों, बैटरी जो है Vivo Y20G के ज़्यादा है और Oppo F17 में बैटरी थोड़ी कम मिलती है। पर ये जो ब्राइटनेस का जो मुझे लग रहा है ये थोड़ी Oppo F17 में काफ़ी अच्छी है, Vivo Y20G से ही ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है। पर बैटरी की बात की जाए तो बैटरी Vivo Y20G में काफ़ी ज़्यादा मिलती है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको Vivo Y20G। और दोस्तों अगर इन दोनों के फिंगर की बात की जाए तो यहाँ पर फिंगर आपको यहाँ पे Vivo Y20G में मिलता है, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे दिया गया है ऑन ऑफ बटन के ऊपर, डायरेक्ट खोल सकते हैं। और अब 17 के अंदर मिलता है आपको इन डिस्प्ले फिंगर। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले के अंदर ही आपको फिंगर मिलता है Oppo F17 के अंदर। तो जो आपको अच्छा लगता है डिस्प्ले के अंदर फिंगर या यहाँ पे साइड में फिंगर, जो भी अच्छा लगता है वो आप अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा है, दोनों ही मोबाइल काफ़ी अच्छे हैं, पर मुझे थोड़ा सा Vivo Y20G ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब जो बात करते हैं, मेन जो है इसका प्रोसेसर, जो इसकी रैम है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे Vivo Y20G की जो रैम है वो है 4GB और इंटरनल स्टोरेज है 64GB। और यहाँ पे ये जो Oppo F17 इसकी रैम है 4GB और इंटरनल स्टोरेज है 128GB। जी हाँ दोस्तों, इंटरनल स्टोरेज इसकी ज़्यादा है पर रैम दोनों की बराबर ही है। तो हम इसके अंदर कुछ गेम वगैरह आपको ओपन करके दिखाएंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर हम कुछ ऐप्स ओपन करके देखते हैं कि पहले कौन सा ऐप ओपन होता है और कौन बैकग्राउंड में यहाँ पे कौन सा ऐप ज़्यादा चलता है, रैम इसकी चेक करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे गैलरी को खोलते हैं, इसके अंदर गैलरी को सर्च करते हैं।
ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर दोनों साथ में खोलते हैं, देखते हैं पहले कौन सा खुलता है। ये देखिए दोस्तों, Vivo Y20Z में थोड़ा सा जल्दी खुल चुका है, यानी कि Vivo Y20Z का प्रोसेसर थोड़ा क्या पूरा ही ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अगर दोनों के प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे अब 17 का आपको प्रोसेसर मिलता है Qualcomm Snapdragon 662, और यहीं अगर Vivo Y20Z के प्रोसेसर की बात की जाए तो Vivo Y20Z का प्रोसेसर आपको मिलता है MediaTek Helio Z80। जी हाँ दोस्तों, जो कि गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। अगर आप PUBG के लिए अगर आप मोबाइल खरीदना चाहते हो इन दोनों में से, तो मेरी राय यही है कि आप Vivo Y20Z ही खरीदें, क्योंकि काफी अच्छा प्रोसेसर है इसका। और अगर कैमरे के लिए वगैरह खरीदना चाहते हैं तो Oppo F17 आप खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं एक और ऐप यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये जो गेम है सबवे सर्फ, इसको मैं ओपन करता हूँ दोनों के साथ में, देखते हैं। ये लीजिए दोस्तों, दोनों के साथ में ओपन किया है, अब देखते हैं कौन सा जल्दी ओपन हो रहा है इसमें। दोनों हो रहे हैं यहाँ पे ओपन, देखते हैं कौन सा जल्दी ओपन होता है इसमें। ये देखिए दोस्तों, Vivo Y20Z इसमें जल्दी ओपन हो चुका है। ये देखिए, आपने देखा होगा Vivo Y20Z इसमें जल्दी ओपन हो चुका है। चलिए मैं एक बार एक खेल के भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ओए मर गया दोस्तों। इसके अंदर बात की जाए तो Vivo Y20Z काफी ज्यादा जल्दी कर रहा है, क्योंकि इसका ज्यादा प्रोसेसर भारी है। चलिए दोस्तों, अब दोनों में YouTube ओपन करके देखते हैं कि कौन से में जल्दी YouTube ओपन हो रहा है। ये देखिए, चलिए YouTube को ओपन कर दिया हमने। ये थोड़ा सा Oppo F17 के अंदर है, तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे YouTube आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है टेक सेली। टेक सेली को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम हमारे चैनल पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है यहाँ पे आपको। और देखते हैं कौन सा ऐप ज्यादा खुलता है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे रिसेंट ऐप्स के अंदर देखते हैं कितने ऐप है इसके अंदर। देखिए काफी सारे ऐप्स है फिर भी फुर्ती से खुल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे ऐप्स है फिर भी बहुत ही ज्यादा तेजी से ऐप ओपन हो रहे हैं, यानी कि दोनों का प्रोसेसर ठीक है, पर गेमिंग के लिए बात की जाए तो इसका MediaTek Helio G80 काफी ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक गेम और ओपन करके दिखाता हूँ, हिल क्लाइम रेसिंग। ये दोनों को एकदम साथ में ओपन करते हैं। ये देखिए, हमने इनको ओपन कर दिया है, देखते हैं इनमें से कौन सा जल्दी होता है। ये Oppo F17 में थोड़ा सा जल्दी हो चुका है ऑन, Oppo F17 में थोड़ा सा जल्दी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब इन रेसेंट ऐप्स को देखते हैं कि कौन से ऐप अभी रैम के अंदर वहां पे चालू है और कौन से नहीं है, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, इस शुरू से देखते हैं एक बार, अगर कैमरे को देखे तो ये शुरू से स्टार्ट हो चुका है। इसके यहां पे देखे तो ये भी शुरू से स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे बैटरी परसेंटेज वाला देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। ये देखिए दोस्तों, शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ है, सेटिंग्स ये देख पा रहे होंगे आप। दोनों की रैम काफी अच्छी है दोस्तों। ये देखिए सबवे सर्फ, इसको वापस साथ में ओपन करते हैं, देखते हैं शुरू से होता है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर Oppo F17 के अंदर शुरू से स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर अभी वही का वही है। तो इसका मतलब ये है कि Vivo Y20Z के अंदर हमको रैम अच्छी मिलती है, क्योंकि इसका प्रोसेसर काफी भारी है, इसलिए मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है Vivo Y20Z। देखते हैं और भी एप्स जो हमने पहले ओपन किए थे और अब वहां पे क्या सीन है उनका। चलिए YouTube को खोल कर देखते हैं, YouTube शुरू से आता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, YouTube तो वहीं का वहीं है दोनों में। यहाँ पे भी जो हमने टेक सेली खोल रखा था और यहाँ पे भी ये जो बकवास कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं, तो दोनों बराबर है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इनमें। तो दोस्तों, अगर इसका निचोड़ निकाले पूरा हम कि दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो Vivo Y20Z इन दोनों में से काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि Vivo Y20Z के अंदर MediaTek Helio Z80 आपको प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि गेमिंग के लिए काफी अच्छा है Vivo। जी हाँ दोस्तों, गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। अब हमारे इंडिया में PUBG भी लॉन्च हो रहा है, तो MediaTek Helio में जो PUBG खेलने का मजा आएगा वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप PUBG के लिए या गेमिंग किसी भी ऐप के लिए खरीदना चाहते हैं तो Vivo Y20Z ही खरीदे, और कैमरे या अदर फीचर के लिए खरीदना चाहते हैं तो Oppo F17 खरीदे। और अगर इन दोनों की प्राइस की बात की जाए
यहाँ दोस्तों प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे ये जो ओप्पो अप 17 है 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो इसकी प्राइस है वो है 16,990। यहाँ दोस्तों काफी ज्यादा प्राइस है, 16,990 के अंदर बहुत सारे ऐसे मोबाइल आ जाएंगे जिनसे आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, जो कि अब 17 से आप नहीं उखाड़ सकते। और दोस्तों अगर बात की जाए Vivo Y20Z की प्राइस की, तो Vivo Y20Z की प्राइस है 12,990। जी हाँ दोस्तों काफी ज्यादा सस्ता है ये Oppo अब 17 के कंपैरिजन के अंदर। तो 12,990 के अंदर MediaTek Helio G80 प्रोसेसर मिल रहा है आपको, और क्या लोगे आप। तो जी हाँ दोस्तों अगर आप इन दोनों में से अगर खरीदना चाहते हो, अगर आपके पास पैसे बहुत हैं तो आप 17 खरीदिए, और अगर आप मेरी तरह नॉर्मल हैं मिडिल क्लास या गरीब हैं तो Vivo Y20Z ही खरीदे। तो मेरी राय यही है कि Vivo Y20Z खरीद ले, क्योंकि काफी अच्छा मोबाइल है, कैमरा नॉर्मल है, हमें नॉर्मल ही चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा गेमिंग से मतलब रखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर हर दिन लाते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।